की बात करेगा, यूपी पे राज करेगा, दो समाज की बात करेगा, यूपी पे राज करेगा। मुख्यमंत्री जी के आदेशों का मुख्यमंत्री जी के आदेशों का मुख्यमंत्री जी के आदेशों का वो बता दे कि आज हमारा ज्ञापन नहीं है, प्रार्थना पत्र है और प्रार्थना पत्र पे आज ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रार्थना ज्ञापन हमने दे दिया और कार्रवाई बाद में होगी, ऐसा नहीं होगा। चमत्कारी हमारे यहाँ और कार्रवाई आज करके दे, हम कार्रवाई करके ले जाना चाहते कि हमारे प्रमाण पत्रों में क्या दिक्कत है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेका ने लगभग 16 शासनादेश जारी कर दिए गए, तो फिर धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे? कोई जवाब दिए एडीएम एडीएम कैसी जानते हो, तो वो हमारे यहाँ आए और जवाब दे। जब तक जवाब नहीं देगा आंदोलन जारी रहेगा। अगर अधिकारियों ने अधिकारिता की तो यह भेड़े भर दी जाएंगी, डीएम कार्यालय में भेड़े भर दी जाएंगी और अभी आ जाएंगे। बंधुओं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई आदेश नहीं है कि धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र रोके जाए। ये केवल विशेष तौर से अधिकारियों की हरमता है और उसमें भी एक विशेष जाति के लोग होते हैं जो अनुसूचित जाति में आते हैं, वो आपके प्रमाण पत्रों में बाधा उत्पन्न कर ले। इसे स्टेट भी धनगर अभी कभी प्रताप नहीं करेगा, बंधुओं नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ डिसिप्लिन बनाना है तो मैं पुलिस को भी आगाह कर रहा हूँ, एनआई इंटेलिजेंस को भी आगाह कर रहा हूँ कि वो अपने अधिकारियों को बताए कि वो यहाँ बुला दे। क्या कारण है इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जिसमें आदमी से आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए और अपने धनगर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए। क्योंकि आपके समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। कभी धनगर से धनगर कर दिया जाता है, कभी धनगर किया जाता है, कभी धनगर किया जाता है। जब 40462 में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आदेश हो गया है कि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति निवास करती है, न कि धनगर धनगर धनगर। और अभी अभी 2011 की जो जनगणना है धनगर की, यहाँ लगभग 2500 के करीब है। तो पहले हमारे 2500 लोगों के धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए, वरना हम लोग आज यहीं से धरना और अभी शुरू करते। इसके लिए चाहे हमें जो कुर्बानी देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। बंधुओं, मैं आपको एक और बता दूं, आप लोग जगह जगह आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है इस समय, ये सबको पता है कि पूरे प्रदेश में, यहाँ तक है हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और मैंने ये पर्चे भी छपाए हैं, 3 तारीख से बच्ची का ताला, चंद्र का मोर देवी जी है, वहां से हम विधानसभा को 3 तारीख को घेरने का काम करेंगे। और अगर रोका गया
तो हम पूरे प्रदेश में वो आंदोलन करेंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि हो क्या रहा है और ये अचानक क्या हुआ। 4 तारीख को अगर रोका जाता तो 4 तारीख को लाखों की संख्या में हमें लखनऊ पहुंचना है। मैं आह्वान कर रहा हूं कि 4 तारीख को 3 तारीख को विधानसभा घेरने का कार्यक्रम है। अगर किसी प्रकार की अड़चन होती है तो 4 तारीख को आप पैदल साइकिल से बस द्वारा चार पहिए द्वारा बच करके आप लखनऊ अवश्य पहुंचे, ये मेरा आपसे बहुत बड़ा निवेदन है। क्या आप लखनऊ पहुंचेंगे? 4 तारीख को पहुंचेंगे? जो PLO है जिनको हम दंगा लिखाते हैं तो वो दंगा नहीं लिखते, अन्य शब्द लिखकर वो बात को छोड़ देते। तो हमारे दंगा समाज के पास शासन प्रशासन सारे ही हमारे समाज के साथ गलत भावना रखते, इसे अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव है, इसमें आस पास की लड़ाई हम लड़ेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। को कहना हो मां साहब आइए, आप थोड़ा सा कहिए अपने बातों को कहिए। तब तक शासन प्रशासन के अभी कानों तक आवाज नहीं पहुंची है। इतने धनगर लोग यहाँ इस कड़कती ठंड में आए हुए हैं।